अब यहीं पे रुकिए, मैं देख के आता हूँ क्या है भाई। तीर्थ भैया, वो सब आपसे बहुत गुस्सा है। मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, आप सब बस अंदर घर में रहिए। सबको अंदर भेज रही हो, मुझे बाहर लेके जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। क्या चुप कट्टू, शायद सुमन को सब सच पता चल गया। अगर हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आके सबको सच बता देगी। सच पता चल गया है, गाड़ी ड्राइवर ने आपकी बहन कृतिका चला दी थी और हम उसे सजा दिला के रहेंगे। तुम्हारी जिंदा माँ के लिए तुमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, सोचो बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते। गणपति बापा मोरया। आज हम बात करेंगे सुमन इंदौरी के बारे में, और यहाँ पर भाई सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अभी तक तो लग रहा था कि यहाँ पर जो देविका है ना, उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। उसका प्लान कामयाब भी होता है, वो किस तरीके से अपनी बहन को बचा लेती है। हमने देखा था ना कि भाई जो सुमन है उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो करती है देविका। अब देविका इतनी खुश हो जाती है ना ये सुन के कि भाई उसकी शादी तीर्थ के संग पक्की हो गई और तीर्थ रेडी हो गया उससे शादी करने के लिए। अब वो इतनी तेज कार चला रही होती है कि अचानक से जो सुमन की माँ होती है वो सामने होती है और यहाँ पर भाई एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देविका की बहन भाई एकदम से डर जाती है और वो गाड़ी में से उठ के भाग आती है और भागते भागते टकरा जाती है सुमन से। तो सुमन को कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन टकराते हुए वो चली जाती है। वहीं सुमन देखती है उसकी माँ पड़ी हुई है वहां पर, और वो लेकर एकदम हॉस्पिटल वगैरह आती है। और भाई पुलिस वगैरह जब वेरीफाई करती है उसकी कार का नंबर वगैरह, तब पता लगता है कि भाई ये तो देविका की बहन की कार है। और तब आता है सच सामने। यहाँ पर भाई सुमन को ये तो समझ में आ गया कि ये उसकी बहन ने की है सारी चीजें और यहाँ पर एक्सीडेंट भी उसने किया है। अब जब तीर्थ आता है ना पैसे वगैरह देने के लिए, तो यहाँ वो मना कर देती है। या वो बोलती है कि तुम पहले एक काम करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यहाँ पर जिसने मेरी माँ को मारा है ना उसको पहले जेल करवाओ। और यहाँ पर वो बता देती है कि किस तरीके से देविका की बहन जो तुम्हारी मंगेतर है उसने मारा है। और ये सुनकर भाई उसके होश उड़ जाते हैं और वो घर जाता है। यहाँ पर घर पे सारी चीजें बताता है कि भाई किस तरीके से गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह किया है। लेकिन यहाँ पर देविका चलती है अपनी चाल। अब देविका क्या करती है, ड्राइवर के पास जाती है, ड्राइवर को मनाती है, पैसे वगैरह देती है, उसको लालच देती है। और देविका बोलती है कि तुम एक काम करना, यहाँ पर ये बोल देना कि जब पूछा जाए कि भाई एक्सीडेंट मैंने किया था, मैं चला रहा था गाड़ी, जो मैडम थी वो तो बराबर में बैठी। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल में ये सारे लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर सुमन के सामने यही सारी चीजें ड्राइवर बोलता है और तीर्थ भी ये बोल देता है। अब तीर्थ को नहीं पता है कि भाई वाकई में इसने एक्सीडेंट किया है। यहाँ पर तीर्थ को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, देविका उससे भी झूठ बोल रही है, उसको भी धोखा दे रही है। और यहाँ पर तीर्थ को लग रहा है वाकई में भाई ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, ये तो कुछ कर नहीं रही थी। यहाँ पर सुमन को भी लगता है कि हाँ ठीक है, इसी ने सारी चीजें की होंगी, ड्राइवर ने, और वो बेकसूर होती है। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुमन के हाथ में लगी होती है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस हुआ है जो बुआ है यहाँ पर सुमन की। और बुआ भाई पैसे वगैरह देती है इंटरेस्ट पर, और यहाँ पर भाई सुमन अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे वगैरह लेती है 2 लाख रुपए। अब पैसे वगैरह देने से पहले वो पेपर्स पे साइन कराती है। अब उन पेपर्स में क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये तो सुमन को नहीं पता। लेकिन जैसी साइन करने वाली होती है वैसी तीर्थ उसको रोक देता है और या मना करता है साइन करने के लिए।